मुरैना के युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने जनसुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर से इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि मुरैना निवासी राम सिंह कुशवाहा ने जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठने वाले अशोक श्रीवास्तव ने युवक के साथ धोखा करके रजिस्ट्री कराने के नाम पर तकरीबन 96,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद युवक को कई महीनों तक चक्कर लगवा रहा है और ना ही उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। खुद को ठगा पाकर युवक ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की। युवक का कहना है कि शिकायत करने के बाद अशोक श्रीवास्तव ने उसे बुलवाकर 46,000 रुपए तो वापस कर दिए, लेकिन बाकी के 50,000 रुपए वापस नहीं किए गए। वहीं युवक का यह भी कहना है कि लगातार अशोक श्रीवास्तव उस पर दबाव बना रहा है कि वह शिकायत को वापस ले ले, लेकिन पैसे देने का कुछ भी नहीं बोल रहा और ना ही रजिस्ट्री करवा रहा है। देखने लायक होगा कि युवक की शिकायत पर जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं ना रहता हूँ और अशोक श्रीवास्तव जी ने मेरे से 96,000 रुपये जमा करवाए कि आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी कल। मैं कल आया तो ये बोला कि आज फलाने साहब नहीं बैठे, आप परसों आ जाना। मैं ऐसे 20 दिन परेशान हुआ, जाके बाद में मैं गया अपना जो ऋषि भैया है ना उनके पास गया, सो उनने चेक लगाया उनका, तो उनने मेरे को 46,000 रुपये वापस कर दिए। जाके बाद कितना बकाया है आपका पैसा अभी उनके पास? अभी मेरा है नहीं 50,000 रुपये बाकी। कितना टाइम हो गया? चुनाव से पहले का है केस। जी आपने शिकायत कहाँ कहाँ की? मैं टेंट थाना में फिर आया और कल से यहाँ स्टार ऑफिस में फिर गया हूँ। क्या कहना है आप, उसका पैसा क्यों नहीं दे रहा? दे दिया हूँ वो, मैंने कहीं गया अभी तो ये बोला कि आप आवेदन लगाया है कि वो वापसी कर लूँ, मैं पैसे दे दूँ। मैं बोला कि आवेदन बाद में लूँगा, पैसे दे दूँ वापसी, आपके साथ चल जाऊँ, मैं आवेदन वापसी ले लूँगा।